एक रोटी भी आप किसी के लिए बनाते हो इतने प्रेम से बनाइए, और जब उसको थाली में रखिए, अतिथि भी आया है तो वो तृप्ति का अनुभव करे। भगवान का भोग अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से हलवा बनाओ। मार्केट में तो सामान पटा पड़ा हुआ है, कौन सी चीज मार्केट में आज नहीं मिल रही, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, जो चाहो सब पैक, जो चाहिए सो ले आइए। लेकिन उसके लिए तो कुछ बना सकते हो अपने हाथ से। चार किसमिस, चार वो इलायची के दाने, पता नहीं इलायची के दाने कौन बना रहा है, बोलो जय सियाराम। भगवान कहते अपना तो सर्दियों में आलू के पराठे खा लिए गरम गरम, गोभी के पराठे खा लिए, और जब मेरी बारी आई तो चार किसमिस चढ़ा दिया। बच्चों के लिए इतने सुंदर सुंदर स्वेटर, और बिहारी जी को ठंड लग रही घर में बैठे। ये भाव की बातें हैं, ये आपका भाव कितना, मतलब समर्पण आपका अपने इष्ट के प्रति होना, कितना समर्पण है आपका, उसको स्वीकार करता है। तो ये भाव जिसके अंदर है उससे उसका इष्ट दूर नहीं है। जैसे आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, ऐसे ही इष्ट हमेशा आपके साथ है।